है। तो इस इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में यहाँ से शुरू करते हैं। कैन एक्सरे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो आंसर येस बोलना है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं सोडियम, जिंक और कॉपर के साथ। तो इनके ऊपर गिरोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। टू मेटल्स ए एंड बी हैव वर्क फंक्शंस गिवन, विच मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? देखो, जिसका वर्क फंक्शन बड़ा है, वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी है, और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छोटी है। तो जिसका वर्क फंक्शन बड़ा है, बी का बड़ा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसकी छोटी है। सही है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स हैविंग वर्क फंक्शन W1 एंड W2। तो मैंने यूवी लाइट को घेरा, दो मटेरियल्स हैं, एक का वर्क फंक्शन बड़ा है और एक का वर्क फंक्शन छोटा है। किस केस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ऐसे करना है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी तो देखो कॉन्स्टेंट है, तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। और वैसे भी कॉमन सेंस है, तुम इतनी एनर्जी वर्क फंक्शन में ही अगर लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन को तो काइनेटिक एनर्जी घट के ही मिलेगी, और जितना वर्क फंक्शन छोटा होगा बची हुई एनर्जी किसको मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली है। तो याद रखना, जिसका वर्क फंक्शन छोटा है, W2 का छोटा है, तो बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो W2 की काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। नेक्स्ट है, डज स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने का पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल वी नॉट, क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे करता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, रोकने का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। इस बात का नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है, तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? करता है, यस करता है। नेक्स्ट है, टू बीम्स, एक रेड लाइट की और अदर ब्लू लाइट की, इंटेंसिटी सेम है, आर इंसिडेंट ऑन दी मेटालिक सरफेस टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो बीम्स गेरी, एक रेड की और एक ब्लू की, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। विच वन ऑफ द टू बीम एमिट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? अब आपको ना विब ग्योर का पूरा पैटर्न याद करके जाना है, फ्रीक्वेंसी किसकी कलर की ज़्यादा है, किसकी कम है। याद रखना, ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ब्लू कलर के फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो ब्लू कलर के फोटोन्स के निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो ब्लू कलर के जो फोटोन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी और बाकी कलर्स की कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस विच आर इल्यूमिनेटेड बाई ग्रीन लाइट। कह रहे हरी लाइट को घेरा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाहर आ गए, बट इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बाई येलो लाइट, पर येलो लाइट से बाहर नहीं आए, हरी लाइट से बाहर आ गए, येलो से आई नहीं। विल द इलेक्ट्रॉन बी एमिटेड? अगर मैं रेड लाइट यूज करता हूँ और ब्लू लाइट यूज करता हूँ, अब मुझे पता है कि येलो लाइट की फ्रिक्वेंसी रेड से तो ज़्यादा है, अब येलो से तो निकले ना, तो रेड से कहाँ से निकल आएंगे, क्योंकि येलो की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी तो ज़्यादा होगी तो रेड से निकलेंगे नहीं। पर मुझे ये भी पता है कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज़्यादा है, अब ग्रीन से तो निकल गए थे तो फिर पक्की बात है ब्लू से भी निकलेंगे। तो समझ में आ रहा है, कलर का गेम है सारा, तो फ्रीक्वेंसी पैटर्न अपने कलर्स का याद करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ डज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वेरी विद वर्क फंक्शन? ये तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी व एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये आसान है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी पे क्या असर है अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज्ड? सोचो, अगर मैं फोटोन की वेवलेंथ घटाता हूं
मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, उल्टा काम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फोटोन की तो एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी फोटोन की तो जिस पे गिरेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगा। ठीक है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज लैम्डा, तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 mK। कह रहे व्हाट वुड बी दी वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी वर K/4, तो तुम K की जगह यहां पर क्या करोगे K/4, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी लैम्डा डैश, इन दोनों को डिवाइड कर लेना तो आपका आंसर क्या आएगा 2 लैम्डा। कुछ नहीं करना, लैम्डा को लैम्डा बाय 4 कर देना है। नेक्स्ट है राइट थ्री करेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी लाइट बट कैन बी एक्सप्लेन ओनली यूजिंग द आइंस्टाइन की इक्वेशन। कह रहे ऐसी चीज़ें बताओ जो वेव नहीं एक्सप्लेन कर पाई पर आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर पाया। आपको याद है मैंने क्लास में करवाया था वेव थ्योरी, वेव पिक्चर और फोटोन पिक्चर, तो वेव पिक्चर के पॉइंट पूछ रहे हैं, वेव पिक्चर के कौन कौन से पॉइंट है जो फेलियर हो गए थे और जिसको आइंस्टाइन ने ठीक किया था। तो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वेव नहीं समझा पाया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट वेव नहीं समझा पाया था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी भी डिपेंडेंट है, ये भी वेव, मतलब फेलियर ऑफ वेव पिक्चर, बस वही शो करने हैं, फेलियर ऑफ वेव पिक्चर डिस्कस कर देना। राइट द बेसिक फीचर ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ EM रेडिएशन ऑन विच आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इतनी बार ये आया हुआ है, मैं बता, ये तो 2 बार CBSE 13, OD 13, 14, 15, 16, ले 5 बार तो इसने लिख रखा है, और मैं 100% कह रहा हूँ जो 7 बार आया होगा 10 साल में। फोटोन पिक्चर के बारे में लिखना, लिखवाया था मैंने फोटोन पिक्चर के बारे में लिखूँ आइंस्टाइन की, कि वो फोटोन्स की जो थ्योरी बनाई थी उसने 6 पॉइंट लिखवाए थे, वो लिखने हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से आ गया, लो 12 में भी आ रखा है, बोल ही रहा हूँ, फोटोन पिक्चर एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो नीट और मेंस और उसके लिए CBSE तीनों के लिए वैलिड है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो ऐसा पोर्शन तो PYQ के अंदर भी देखा होगा आपने, ऐसे ग्राफ बहुत आते हैं। देखें इस क्वेश्चन को, देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ग्राफ की फोटो देख लो, क्या हमने की हुई है ये बता दो, क्या हमने ग्राफ किया हुआ है। कॉपी खोल लो, अपनी बुकलेट खोल लो, बुकलेट देख के बता दो, क्या लास्ट लेक्चर में ये काम किया हुआ है, क्या आपने ग्राफ देखा है। देखा है तो बताओ फिर इसकी स्लोप आपको क्या देगी, ग्राफ चेक कर लो, देख के बोल दो इसकी स्लोप क्या देगी। प्लैंक्स कांस्टेंट, गलत, हमने ग्राफ किया ही नहीं, क्योंकि हमने ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का किया है, और इसने किसका दिया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, हमने ग्राफ ही नहीं किया, तुम वो रिजल्ट लगा ही नहीं सकते इसकी स्लोप आपको प्लैंक कांस्टेंट देती है। ध्यान से पढ़ लेना, वो वी नॉट और न्यू का देगा तो लगाना, काइनेटिक एनर्जी का देना मत लगाना, फंसा लेगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। और मजे की बात है ग्राफ सबका सेम है, वी स्क्वायर का ग्राफ देगा तो भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी का देगा तो भी सेम है, वी नॉट का देगा तो भी, देखने में सारे सेम है पर इनका मतलब अलग है। तो करें स्टार्ट, तो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, वो कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस, और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, आपने गलत नहीं बोला पर आपने ध्यान से ग्राफ नहीं पढ़ा, तो चांस की बात है उसने यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी नॉट, तो ठीक है आपका कुछ हद तक तो रिजल्ट चल गया, तुक्का चल गया, लेकिन आगे देखना वो ग्राफ चेंज करेगा, वो भी चलना बंद हो जाएगा।
लेकिन आपने ध्यान से पढ़ना है कि ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है, और अगर काइनेटिक एनर्जी का है अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की स्लोप अगर हम निकाल लें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की स्लोप निकाल लें तो क्या आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, देख रहे हो, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन जो है फ्रीक्वेंसी है। हाँ, इसकी स्लोप आपको क्या देगी, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों देगी, आपने ये क्यों नहीं बोला इसकी स्लोप जो है वो हमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू ई देगी, लास्ट टाइम हमने किया था ना, उसमें ई भी तो आया था, इसमें ई कहाँ चला गया, बिल्कुल, क्योंकि वो पोटेंशियल था, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये ग्राफ किसका है, वी नॉट का नहीं है, ये ग्राफ ई वी नॉट का है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्योंकि ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ है। अब मुझे बताओ हमने क्या किया था, हमने ये किया था स्लोप ऑफ वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या थी, एच इंटू ई था, याद करो ये रिजल्ट मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, पर उसने स्लोप ऑफ वी नॉट तो पूछा ही नहीं, उसने स्लोप ऑफ ई वी नॉट पूछा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ई वी नॉट है, तो तुम इस ई को यहां ले जाओ तो क्या बचेगा, अकेला प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो स्लोप, यहां पे लिख लो स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और ई वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, लिख लो इस डायग्राम के आगे, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक, तो ध्यान से, कभी कभी एच वाई ई देगा, कभी कभी सिर्फ एच वी देगा, तो जानबूझ के उसने ई वी नॉट का ग्राफ बना दिया तो एच देगा, और ऐसे क्वेश्चन तो पी वाई क्यू के अंदर बनते ही हैं, वो बसा ही लेगा, कभी वो चेंज करता रहेगा वाई एक्सेस और कुछ भी चेंज करेगा, तो ऐसे मत लिख देना प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, करके देखना क्या आ रहा है आंसर, ठीक है यहां तक, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो निकाल लेना स्लोप, निकाल लेना प्लैंक्स कांस्टेंट है, और वो क्या कह रहे हैं इसमें, इंटरसेप्ट के देख कह रहे हैं वर्क फंक्शन कैसे आएगा, अब याद करो हमने वर्क फंक्शन क्या किया था, हमने ये किया था, चेक कर लो, हमने वर्क फंक्शन नहीं किया था, हमने वर्क फंक्शन बाई ई किया था, चेक कर लो, जो हमने ग्राफ किसका प्लॉट किया था, जब हमने इंटरसेप्ट निकाला था, इंटरसेप्ट निकाला था किसका, V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का, तो ये इंटरसेप्ट था, पर तुमसे क्या पूछा है, तुमसे E V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा है, तो फिर एक काम करो E को इधर ले जाओ, तो वर्क फंक्शन है, तो यहां पर इसका जो ग्राफ का इंटरसेप्ट है वो W नॉट भी E नहीं देगा, वो क्या देगा, सिर्फ W नॉट देगा, तो समझ में आ रहा है कि रिजल्ट में आंसर कैसे लिखना है, बहुत हल्के हल्के चेंज है इसमें, ठीक है यहां तक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है, ये पेपर से पहले पढ़ के जाना। नेक्स्ट है ये रहा, तो ये तो किया हुआ है हमने वगैरह, आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज करके कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, ये वही है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई रहेगा, ये हमने किया था, सेम है। नेक्स्ट है, ये भी सेम है कि स्केच द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालोगे, ये हमने किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, टेंथ सेम नहीं है, टेंथ ग्राफ किस में है, वी नॉट में नहीं है, वी स्क्वायर है, वेलोसिटी के स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ग्राफ चेंज कर दिया उसने, तो यहां पे ग्राफ चेंज हुए, ठीक है ना, ठीक यहाँ तक क्लियर है। तो इसके अंदर व्हेन अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल इज इरेडिएटेड विद अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो
तो दी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वी मैक्स, पता ही है। तो कह रहे हैं कि हमने ग्राफ किसका बनाया, वी मैक्स स्क्वायर का वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो बताओ इससे प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा। तो पहले ये बताओ कि इसकी स्लोप क्या होगी, क्या देगी इसकी स्लोप, ये मत बोलना प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये भी मत बोलना प्लैंक्स कांस्टेंट बाई ई, 2h/m। देखो क्या करना है, एक काम करो तुम, इसमें आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो एक काम करो m और 2 को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, चेक करो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस में v स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगी इसकी स्लोप। तो इसकी स्लोप आपको h by e नहीं दे रही, इसकी स्लोप आपको क्या दे रही है, 2h/m दे रही है। और इसकी स्लोप इस ट्राइंगल से निकल सकती है l by n, tan theta l by n। तो ये देखो, तो एक स्लोप क्या आ गई 2h/m और ये क्या आ गई l by n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, वही तो निकालना था प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसी तरीके से इसका जो वर्क फंक्शन है l, ये क्या है इसका इंटरसेप्ट, और यहाँ से इक्वेशन से इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 2w0/m, इक्वेशन से 2w0/m आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है l, इन्हें इक्वेट कर लो, 2w0/m इज इक्वल टू l, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वर्क फंक्शन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, घर जाके स्टडी करना है इसे अच्छे से, इन स्टेप्स को। जैसे स्केच द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, पता ही है v नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो याद है हमें, ये बनेगा स्टैंडर्ड है। पर वो कह रहे हैं कि एक ही जगह दो मेटल के लिए बनाओ और एक की थ्रेशोल्ड बढ़ी है दूसरे से, तो इसकी बढ़ी है इससे, तो ऐसा बनाओ, विच ऑफ द टू मेटल्स ए और बी हैज हायर वर्क फंक्शन, ऑब्वियसली जिसकी थ्रेशोल्ड बढ़ी है उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा है, तो ए का ज्यादा है। वॉट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसकी स्लोप आपको क्या देगी, एच अपॉन ई, लास्ट टाइम जो किया था सेम है, एच बाई ई। और वॉट डज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ए क्या शो करता है, माइनस वर्क फंक्शन बाय ई, तो इंटरसेप्ट क्या देता है आपको, वर्क फंक्शन। ये तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया था। इस ग्राफ को देखते हुए किसकी थ्रेशोल्ड, ये वी नॉट और फ्रीक्वेंसी है, किसकी थ्रेशोल्ड बड़ी है, पी की कि क्यू की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है, पी की क्यू, क्यू की इसकी बड़ी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी बड़ी है, पी की क्यू, पी की, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोटी है उसकी वेवलेंथ बड़ी है, राइट। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला सैंपल पेपर में। तो ये ग्राफ किसका किसका है, वी नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमने लास्ट टाइम किया था। कह रहे दो मेटल्स हैं, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर एम वन एंड एम टू, एम वन एम टू का वर्क फंक्शन कितना है, तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसीज पता है, तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, एच इंटू न्यू, इसका क्या होगा, एच इंटू न्यू, मतलब ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसीज पता है तो वर्क फंक्शन तो मल्टीप्लाई करके निकल ही आएंगे दोनों के, तो क्लियर है यहाँ तक। फिर वो कह रहे हैं इस ग्राफ को चेक करते हुए प्रूव करो कि एक और फ्रीक्वेंसी है न्यू थ्री, वो कह रहे हैं ये इसकी थ्रेशोल्ड है, ये इसकी थ्रेशोल्ड है, पर हमने रेडिएशन न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी की घेरी जो दोनों के थ्रेशोल्ड से बड़ी फ्रीक्वेंसी है, और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा। तो कह रहे हैं फिर लाइन्स की स्लोप क्या होगी ये बता दो, तो ठीक है निकाल दो स्लोप, स्लोप क्या होती है बताओ, मान लो ये ट्राइंगल ले लें, ये स्लोप आ जाएगी इसकी, इसकी स्लोप क्या होगी, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, और ये डिस्टेंस कितना है बोलो, न्यू थ्री माइनस न्यू जीरो वन, हाँ या ना, न्यू थ्री माइनस न्यू जीरो वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू मुझे नहीं पता, पता ही नहीं है, और लेकिन मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि स्लोप का मतलब दिस अपॉन दिस, तो ये स्लोप कैसे निकलेगी, पैरेललोग्राम, ये देखो, तो पैरेललोग्राम में ये डिस्टेंस कितना है, न्यू जीरो टू माइनस न्यू जीरो वन, यही बन जाएगा आंसर। तो हाइट आ गई और बेस यहां से आएगा, कर लेना सॉल्व,
समझ में आ रहा है ट्रिक कैसे यूज किया उसने? न्यू थ्री को यूज ही नहीं किया उसने, पैलोग्राम से ये साइड निकाल दी। ठीक, ये ग्राफ हमने किए हुए हैं क्लास में, स्टैंडर्ड ग्राफ से आते हैं। ट्वेंटी वन, 21 के अंदर राइट आइंस्टाइन इक्वेशन तो ठीक है, इस न्यूमेरिकल को देखो। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डबल्ड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? डबल होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैंने वेवलेंथ को लैम्डा वन से लैम्डा टू कर दिया तो डराइव एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट एंड वर्क फंक्शन। तो ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर वन, हमारे पास जो जो वैल्यू है किसकी, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिख सकते हो, एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, और इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हो। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में और लैम्डा नॉट की फॉर्म में आ गई। केस नंबर वन, जब वेवलेंथ लैम्डा वन है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है, जब वेवलेंथ लैम्डा टू है, लैम्डा टू है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। तो इसको टू टाइम्स कर दें, तो टू टाइम्स कर दिया। अब आप एक काम करें, आपको अपना आंसर लैम्डा नॉट निकालना है लेकिन के मैक्स की फॉर्म में नहीं निकालना, तो एक काम करें इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। तो क्या बनेगा? टू इंटू एच सी बाई लैम्डा वन, टू इंटू एच सी बाई लैम्डा नॉट, और टू इंटू के मैक्स। तो एक आपको ये इक्वेशन पता है, एक आपको ये इक्वेशन पता है, दोनों को माइनस कर लो तो ये टर्म तो कट ही जाएगी। बस आंसर, ये टर्म कट गई तो ये टर्म आ गई, यहाँ से लैम्डा नॉट निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। ऐसे तो कंपटीशन के पी वाई क्यू बहुत आए हुए हैं, लाइन लगी पड़ी है पी वाई क्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन की, और सी बी एस ई में इतना लेवल तो वही चलता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे के मैक्स को एलिमिनेट करना है? ठीक, नेक्स्ट भरे पड़े हैं सीबीएसई के पेपर, ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं जिनमें इन टाइप के न्यूमेरिकल ना आए हो। आप पेपर खोल के देख लेना, आना ही आना है दो तीन नंबर का न्यूमेरिकल 100%। नीट और मेंस भरा पड़ा होगा मेरे ख्याल से इस टाइप के फॉर्मूला से, इस टाइप के न्यूमेरिकल से। तो आज हम तीन चार न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कैसा न्यूमेरिकल आएगा। तो क्वेश्चन है, प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड टू सेम पोटेंशियल। एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, पोटेंशियल दोनों का सेम है। विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और किसकी काइनेटिक एनर्जी लेस है? डी ब्रॉगली की वेवलेंथ ये होती है, आज हमने ये फॉर्मूला किया। अब दो पार्टिकल हैं प्रोटोन और अल्फा, और क्योंकि पोटेंशियल दोनों में सेम है तो यहां से वी तो दोनों में सेम है, तो यानी कि आपका लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा? मास और चार्ज पे। तो आपका जो लैम्डा है अंडर रूट ऑफ मास और चार्ज पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार रिलेशन प्रोटोन के लिए लगाओ, एक बार इक्वेशन अल्फा के लिए लगाओ, दोनों को डिवाइड कर लो। आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन है, और चार्ज ट्वाइस पता है आंसर। तो आपको पता लग गया कि जो प्रोटोन है उसका वेवलेंथ की वैल्यू अल्फा से बड़ी आएगी, 2√2 टाइम्स ज़्यादा आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और आपको काइनेटिक एनर्जी का बताना है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। मास का लेना देना है ही नहीं, तो आपको पोटेंशियल तो सेम ही गिवन है। तो जिसका चार्ज बड़ा है प्रोटॉन का, एक बार इक्वेशन प्रोटॉन के लिए और एक बार इक्वेशन अल्फा के लिए, अल्फा का चार्ज बड़ा है तो यानी कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी अल्फा से कम है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। अब इस बार मुकाबला किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, फिर से क्या हो गया? सेम। विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ और लेस मोमेंटम। लैम्डा का ये फॉर्मूला है, वी सेम है, फिर से लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और चार्ज है सेम। एक बार फिर से ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए, एक बार प्रोटॉन के लिए। अब दोनों का चार्ज तो बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा है। तो बस यही एक ही फॉर्मूला यूज करे जा रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन में। अब कह रहे हैं मोमेंटम कंपेयर कर दो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ 2ME इंटू वी। अब क्योंकि वी सबका सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, क्वेश्चन में रह क्या गया? सिर्फ मास। मास तो प्रोटॉन का ज्यादा होता है तो मोमेंटम भी प्रोटॉन का ज्यादा है।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा है इसमें। फिर से आ गया इलेक्ट्रॉन, अल्फा और प्रोटॉन, आना ही आना है भाई, लाइन लगी पड़ी है इन तीन पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की। सेम इस बार पोटेंशियल सेम नहीं है, इस बार काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच वन ऑफ दीज पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेव लेंथ। अब वेव लेंथ का फॉर्मूला ये रहने दो, वेव लेंथ क्या है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू k किया था हमने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, k तो सभी पार्टिकल का सेम है, तो यानी कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास है। अब क्योंकि अल्फा का मास सबसे बड़ा है, प्रोटॉन्स का मास उससे छोटा है और इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा है, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा है, फिर प्रोटोन का और फिर एल्फा का। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या रिलेशन यूज करना है। जैसे फिर से आ गया अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड टू सेम पोटेंशियल, फिर से भी सेम है, इस बार कॉम्पिटिशन किसका है, अल्फा और प्रोटोन का। कैलकुलेट रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा, अब ये करने की जरूरत क्या है, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम के लिए काम करेंगे आप, इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला ये यूज करें, अंडर रूट ऑफ 2mq इनटू v। एक बार ये इक्वेशन अल्फा के लिए, एक बार ये इक्वेशन प्रोटॉन के लिए। अब आपको अल्फा का मास 4 टाइम प्रोटॉन पता है, चार्ज आपको ट्वाइस पता है, वी दोनों में सेम पता है। आंसर कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूले को बस घुमाए जा रहे हैं वी सेम करके, कभी दो तीन तो एक ही तो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, और पी का ये फॉर्मूला इसी को बस यूज करे जाना है। जैसे फिर से अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल, फिर निकाल लो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भाई कितनी बार करें, सेम वी सेम है तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम वी एम इन टू क्यू। एक बार अल्फा के लिए, एक बार प्रोटोन के लिए, तो अल्फा का जो मास है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन है, और चार्ज जो है वो 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटोन है। आंसर ये नया क्वेश्चन है। प्लॉट शोज, कह रहे प्लॉट अ ग्राफ, तुम एक ग्राफ प्लॉट करो जो किसकी वेरिएशन शो करता है, लैम्डा की और 1 बाय अंडर रूट ऑफ वी की, मतलब वेव लेंथ की और 1 बाय अंडर रूट ऑफ वी की। तो क्या करना है आपको, और मास m1 पता है m2 से, विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। तो एक काम करो, पहले तुम इसका ग्राफ प्लॉट करो। ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम लैम्डा का फॉर्मूला लिखो। लैम्डा के फॉर्मूला में ये लैम्डा है, 1/√v अलग कर लो क्योंकि ग्राफ 1/√v का बनेगा। तो इसके अंदर साफ पता लग रहा है कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये क्या बनेगी, इसकी स्लोप। तो इसका, क्योंकि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, साफ पता लग रहा है ये इसकी स्लोप है। अब जिसका मास ज़्यादा है डिनोमिनेटर, उसकी स्लोप बड़ी है, तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी स्लोप कम है क्योंकि m1 बड़ा है, तो उसकी स्लोप कम है। जिसका मास कम है उसकी स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, मतलब एक ही फॉर्मूला है, इसी को यूज़ कर करके करना है। और क्योंकि ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है, मतलब लैम्डा और 1/√v के बीच में, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ये प्रूफ करने को आया हुआ है। व्हाट रीजनिंग लेड डी ब्रॉगली टू पुट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। बता दिया मैंने, डी ब्रॉगली के माइंड में क्या आया कि मैटर वेव का सेम रिजल्ट है जो रेडिएशन का है। दी वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन, तो कह रहा है लैम्डा किसकी वेवलेंथ है, फोटोन की। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज द सेम वैल्यू से लैम्डा, कह रहा है जी फोटोन की, और मान लो जो मैटर है उसकी वेवलेंथ सेम है। शो दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या फिर फोटोन एंड प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें तो पार्टिकल पार्टिकल करे जा रहे हैं, फिर नाम भी ले दिया पार्टिकल का प्रोटोन है, कह रहे मान लेते हैं एक फोटोन है एक प्रोटोन है, दोनों की वेवलेंथ बराबर है। शो करो कि काइनेटिक एनर्जी फोटोन की इतने टाइम प्रोटोन के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, ये ना ये जो है ये फोटोन करो, फोटोन प्रोटोन नहीं है, करेक्शन करो, ये फोटोन है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc/λ, और प्रोटोन की क्या होती है, p²/2m, क्योंकि प्रोटोन का तो मास भी होता है, फोटोन का मास भी नहीं होता। तो यहाँ पे p क्या होता है, h/λ, तो ये क्या आ गया, प्रोटोन, ये क्या आ गया, फोटोन, दोनों को डिवाइड कर लो।
तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन के और प्रोटोन के डिवाइड करके जो प्रूव करने आंसर आ गया, फोटोन की एनर्जी इसके इक्वल है क्योंकि लैम्डा दोनों का बराबर है, ये प्रूव हो गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे फोटोन प्रोटोन का, देखो फोटोन की वेवलेंथ जब आएगी तो ये यूज़ करना, प्रोटोन की आएगी फिर तो जो मर्जी यूज़ करना, कोई चक्कर ही नहीं है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे एनर्जीज को सॉल्व करना है इसमें, बाकी क्या हुआ है।